हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है विद्युत कुमार ब्लॉग्स में। और अभी हम हैं हावड़ा स्टेशन के ठीक बाहर में और यहाँ से हम बात पकड़ेंगे टी गार्डन के लिए, जो बोटानिकल गार्डन का नाम से जाना जाता है। अब देखिए जहाँ पर वो बास खड़ा हुआ उसी बास को हम पकड़ेंगे। अब चलिए बास के आगे चलते हैं। आप यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में जो बास खड़ा है टी गार्डन लिखा हुआ, उसी बास को पकड़ेंगे। अब बास में हम ऑलरेडी चल चुके हैं। अब यहाँ से उसके आगे तरफ बढ़ते हैं। तो मेरे चैनल पर जो भी नए हैं बस इनको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए। अभी हम पहुँच चुके हैं ऑक्सफर्ड रोड। ये रोड जाता है सीधा सेकंड ब्रिज की तरफ, जो नवान्न है उस तरफ। अब इसके आगे में आपका हावड़ा का सबसे बड़ा मॉल है अग्नि मॉल। ये है आपका हावड़ा का सबसे बिगेस्ट मॉल। अब ये रास्ता सीधा जाता है शिवपुर। शिवपुर से लेफ्ट साइड में बी गार्डन का रास्ता कटेगा। ये आपका अग्नि मॉल। यहाँ पर अगर आपको शॉपिंग करना हो तो यहाँ पर आकर शॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये हावड़ा का सबसे बड़ा। अभी हम पहुँच चुके हैं बी गार्डन के गेट के सामने। अभी आगे चलेंगे, पहले चल के देखेंगे टिकट काउंटर में पहले टिकट लेंगे। तो यहाँ टिकट का किराया है 30 रुपया। यहाँ से टिकट लेने के बाद आप चेकिंग होगा। लेफ्ट साइड में एक आदमी खड़ा है, उनसे पहले टिकट चेक करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही अंदर जा सकते हैं। तो मैंने इनको टिकट दे दिया। अब देखिए टिकट फाड़ रहे हैं। अब चलेंगे इसके आगे की तरफ। ये आपका एंट्री पॉइंट। यहाँ से आपका 3 रास्ता जाता है, एक लेफ्ट, एक राइट और एक सीधा स्ट्रेट। तो ये रास्ता में आप चलते चलते थक जाइए, यहाँ पर रोज खत्म हो जाता है। आप देखिए यहाँ ना, और यहाँ जितना सारा पेड़ है उद्यान का, मुझे लगता है 90% में सारा पेड़ है इस जगह में, इस गार्डन में मौजूद। और हम इस गार्डन में सामने पड़े पेड़ एक तालाब है, सबसे बड़ा उद्यान है इस गार्डन में पूरा। और जो रोड है ना, ये रोड आप देखिए, ये जो रोड आप देख रहे हैं पैदल यहाँ पर, पहले तो यहाँ पर रोड किसी काम में खत्म नहीं था, क्योंकि प्लास्टिक बोतल ये सब अलाउ नहीं था। अभी आप यहाँ पर आके पिकनिक भी मना सकते हैं। इस गार्डन में बहुत किस्म का आपको पेड़ देखने को मिलेगा। देखिए वहाँ पर कपल्स बैठा हुआ है, अगर टाइम लोग वहाँ पर खाना बना ला के खाना देख सकते हैं। अभी रास्ता तरह का चलते चलते थक जाइएगा, मगर ये खत्म नहीं होगा। और देखिए कुछ इस टाइप का बना हुआ। अभी यहाँ सामने देखिए पेड़, वहाँ पर इतना सारा मछली है तालाब में, सही देखिए ये सब मछली है। तो हम सोचे इसका भी एक फुटेज ले लें, बहुत ज़्यादा मछली है। अब चलेंगे इसके आगे की तरफ। तो यहाँ का व्यू, और यहाँ का सबसे एक फेमस चीज़ है वो आपका नेचुरल टायर दोनों साइड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फूल का पौधे लगा हुआ है, देखिए दोनों साइड में आपका इस टाइप के पौधे है, जो आपका फूल का है, गेंदा फूल का। अभी रास्ता चलते चलते आप थक जाइए, बस टाइम है। ये हम स्टेट वाला रास्ता पकड़ चुके हैं, इसका राइट में भी था हमको, लेफ्ट में भी था। और ये कितना जगह में, सब रास्ता जाके एक ही जगह में मिलेगा। और इसका जो जहाँ से हम एंट्री लिए पहले, वहाँ से आप निकल नहीं सकते, क्योंकि इसका निकलने का गेट दूसरा होता है। ये देखिए सब गेंदा का फूल है, ये देखिए इतना सुंदर फूल है, इतना सुंदर आपको एकदम पूरा गार्डन की तरह है, जितना मतलब पार्क जैसे होता है उसी टाइप। ये जो आप देख रहे हैं झाड़ी टाइप का देख रहे हैं ना एकदम, इसके अंदर में भयानक जगह है। जो लोग कपल्स होता है गार्डन पे, वो लोग यहाँ पर लाके चुम्मा चट्टी चीज होती है, क्योंकि ये मेरे खुद देखा हुआ दिख रहा है, एकदम अंधेरा टाइप का लगा। यहाँ पर हम पहले जब आया दिखा था। अब चलिए इसके आगे बढ़ते चीजें। ये कुछ बांस टाइप का दिखिए कितना गहरा है, इसके अंदर में जाके वो लोग ऐसे गलत काम करते हैं, क्योंकि मैं खुद दिखा हुआ हूँ। ये देखिए जैसे लगेगा आपको भूत बंगला जैसा कुछ इस टाइप का बना हुआ है। ये चाय देखिए, अब चलेंगे इसके आगे की तरफ। ये तालाब, तालाब इतना खूबसूरत है, और साइड साइड में जैसे खेजूर जैसा पेड़ लगाया गया उस टाइप का दिख रहा, मगर ये खेजूर का पेड़ जैसा कुछ अलग पेड़ है। और ये तालाब है जिसका नाम मुझे भी नहीं पता है, वो सब नारियल का लंबा लंबा दिख रहा है, जितने सारा लंबा लंबा पेड़ दिख रहे सब नारियल का पेड़। क्या पेड़ है तो मुझे भी नहीं। ये देखिए ये कुछ ताल, ये सब ताल का, ये ताल का पेड़ है, ताल ये ताल का पेड़ है, ताल जैसा नहीं काली पेड़ है। यहाँ पर बहुत सारा ताल और भी बहुत सारा पेड़ है, इसका नाम तो मुझे भी नहीं पता। अब ये रास्ता देखने के लिए यहाँ पर स्टेट जा रहा, स्टेट जाने के बाद आपका लेफ्ट राइट घूमेगा। अभी देखिए यहाँ पर यूनिक पेड़ देखने जल, देखिए जल का नीचे का पोजिशन, देखिए इसका जो यूनिक, जहाँ से जल स्टार्ट हो उसके ऊपर का पोजिशन, इसमें फल इतना यूनिक है। अब देखिए इसमें फल भी है, कौन सा पेड़ इस टाइप का फल है।
और इस पेड़ का नाम मुझे ठीक अच्छा याद नहीं, मगर हमारे गांव में ऐसा पेड़ हम देखा है। अब देखिए यहाँ पर जो पानी दिख रही है आपको, पूरा ग्रीन टाइप का पानी है, पूरा ग्रीन दिखने में आपको लगेगा जैसे स्विमिंग पूल में पानी होता है ना, स्विमिंग पूल का पानी तो आपका नीला होता है, मगर ये पानी पूरा ग्रीन है। उसके बाद फिर देखिए तालाब आगे है, तालाब और बहुत पेड़ पौधा आपको इतना सारा दिखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि इतना 90% पेड़ यहाँ पर मौजूद है और इसको संरक्षण किया गया है, इतना लंबा जगह है मुझे भी नहीं, दुनिया के लोग इसे देख सकते हैं। अब हम चलेंगे, ये जो मोड़ आपको दिख रहा है ना, यहाँ आने के बाद मुझे पता नहीं चल रहा कि हम चले तो किस तरफ। ये देखिए यहाँ भी आपका तालाब है, ये आपका बोले तो चार माथा मोड़ है, यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। अब मुझे पता नहीं कि हमको जाना किधर है, मगर हम स्टेडी चलेंगे, लेफ्ट राइट किसी रास्ता में नहीं चलेंगे, सीधा स्टेट चलेंगे। अच्छा यहाँ पर देखिए यूनिक पेड़ पूरी तरफ से पूरा गिर चुका है, पेड़ पूरा जिंदा है, और ये कौन सा पेड़ तो मुझे भी पता नहीं है। इस टाइप का ना सब जंगलों में देखने को कुछ यूनिक देखने को, और ये एक मान के चलिए कलकत्ता का एक जिंदा ऐसा चीज है जो आपको जंगल बना के रखा गया है, संरक्षण किया गया है। तो जो लोग बाहर से आते हैं, हम लोग को रिकमेंड करेंगे कि यहाँ पर अगर आपको समय मिलता है तो यहाँ पर आके एक बार घूम जरूर लीजिएगा। उसके बाद एक चीज और, हम वीडियो में एक वीडियो एक्चुअली हम उसको लंबा टाइम में वीडियो को शूट नहीं कर पाया, वो आगे हम दिखाएंगे आप। अभी जो आपको वहाँ पर आपको कुछ घर टाइप का दिख रहा है, यहाँ पर एक कोई और पेड़ देखिए, इस पेड़ को देखिए कुछ इस टाइप का है, ये सब मूवीज में देखने को मिलता है, ये सब जो सीन का जो पेड़ का सीन है ये सब मूवीज में आपको देखने को मिलता है। अभी देखिए यहाँ भी आपका तीन माथा मोड़ आ गया, अभी जाकर अच्छा यहाँ से यहाँ से देखिए ये जो आपका सीन का ये एक कमल जो फूल का जो कमल जो उसका नाम है होता है ना फूल पत्ता, उसी का पत्ता है, मगर ये हम जिंदगी में पहली बार देख रहे हैं ऐसा। देखिए कुछ लाभ टाइप का पत्ता है और ये पानी के अंदर ही होता है, रियल है, कोई बना हुआ चीज नहीं है। आज जो लोग को इस मतलब पत्ता का नाम मालूम है तो हमको बताइएगा कमेंट्स में, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। और इसका वीडियो मैंने बहुत लंबा टाइम से शूट किया क्योंकि मुझे बहुत यूनिक लगा, और जितना थाली है ना मतलब एक टेबल का जो साइज होता है जो गोल वाला टेबल होता है उससे भी बड़ा साइज है, और ये पूरा जिंदा हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं। एक मिनट देखिए यहाँ पर देखिए जो छोटा सा दिख रहा है, देखिए नीचे से इसका कुछ पाइप टाइप का है, ये पत्ता खुला हुआ है, यहाँ देखिए हम जूम करके दिखा रहे हैं, देखिए ये देखिए, क्योंकि ये रियल है, ये कोई डुप्लीकेट नहीं है, पूरा ओरिजिनल है। देख के मुझे बहुत यूनिक लगा, क्योंकि इसीलिए हम इसको दो बार शूट किए वीडियो को। जो लोग को इस चीज़ का नाम मालूम है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसके अंदर कम से कम चार आदमी बैठ के खाना खा सकते हैं, इतना बड़ा पत्ता होता है। ये देखिए जो पाइप टाइप का है, ये जो आपका पत्ता होता है नीचे से इसको मतलब जिंदा रखने के लिए कोई चीज़ है। आप चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद अभी सिक्योरिटी आ गया, हमें बोल रहा कि निकलना पड़ेगा, यानी कि 5:30 बजे तक इस जगह को खाली करना पड़ता है, 5:30 बजे का वीडियो को शूट नहीं कर पाएंगे। मगर मेरा तो एक चीज़ मिस हो गया, जो नेचर ट्रेल बोल के एक जगह था उस जगह को दिखाना बहुत जरूरी है, इतना गहरा जंगल बना हुआ है, वही चीज़ को शूट करने के लिए आएगा वही चीज़ शूट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुझे तो सिक्योरिटी अभी बता दिया कि अभी निकलना पड़ेगा। तो हम निकलने के तरफ चलते हैं, यहाँ पर देखिए कपल्स जा रहे हैं हाथ पकड़ के, वो देखिए कपल हाथ पकड़ के जा रहा है। तो हम उस नेचर ट्रेल बोल के जो जगह है उसको हम इसका पार्ट टू जब बनाएंगे तब उसमें दिखाएंगे, क्योंकि आज तो समय नहीं है, 2 घंटा घूमे उसके बाद भी उसको पूरा देख नहीं पाया, इसके लिए कम से कम 4-5 घंटा समय लगेगा, जितना अलीपुर जू में लगता है उससे भी ज़्यादा इसमें लगेगा, तब जाके इसको पूरा वीडियो शूट कर पाएंगे, एक वो मूवीज बन जाएगा। अगर इसका पूरा वीडियो शूट किया जाए तो एक वो मूवीज बन जाएगा। यहाँ पर देखिए जितना सारा फूल्स है, मुझे लगता है दुनिया में जितना सारा फ्लावर्स है ना उसका 90% यहाँ पर रखा गया। और यहाँ पर देखिए खाने का सब्जी, ये देखिए टमाटर है,
टमाटर में भी आपका ये कोई यूनिक टमाटर देखा, ये देखिए ए यूनिक टमाटर, ये आपका काला रंग का होता है, काला रंग का भी टमाटर होता है, मैं पहली बार देखा। यहाँ पर देखिए वो आपका गुआवा है, प्यारा जिसको बोला जाता है, वो करेला है, उसके बाद ये कुमड़ा है, उसके बाद देखिए ये ऑल कॉपी है, ये आपका कैप्सिकम है, कैप्सिकम का पका हुआ है, और ये जो है पालक है। पालक हम देखा वहाँ पर चार किस्म का, एक पालक इधर हो गया, अभी हम आपको दिखा रहे हैं, एक पालक इधर हो गया, उसके बाद देखिए वो भी करेला है, एक वो करेला पका हुआ है, ये आपका कुमड़ा ए लौकी है, उसके बाद ये आपका बैंगन है, और ये आपका कुमड़ा, ये यूनिक कुमड़ा, ये हम जिंदगी में पहली बार देखा। अब देखो उसके उसके आगे में आपका लाल पालक था, अब ये रास्ता जो है, अब ये जो रास्ता है सीधा आपको एग्जिट पॉइंट ले जाएगा। ये रास्ता सीधा आपको एग्जिट पॉइंट ले जाएगा, तो हम कहेंगे यहाँ पर जब भी आइएगा कम से कम 4 से 5 घंटा समय लेके आइएगा, और हावड़ा स्टेशन से बी गार्डन का आपको बस पकड़ना है, बस से उतरने के बाद ही सीधा बी गार्डन के गेट के सामने उतारेगा, वहाँ से आप टिकट लेके अंदर जाइएगा। और ये देखिए आपका एग्जिट पॉइंट है, यहाँ पर देखो पेड़ मरा हुआ है, यानी कि पूरा सूखा हुआ है पेड़, ये देखिए। चलेंगे इसके आगे की तरफ, ये जो आपका रास्ता दिख रहा है ये आपका पूरा एग्जिट पॉइंट है, और इसके बाहर में एक पेट्रोल पम्प है, क्योंकि हमको याद आ रहा कि वहाँ पर एक पेट्रोल पम्प था। अब सब लोग निकल रहा है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे वो जो आपका नेचर ट्रेल बोल के जो जगह था, उसका वीडियो अलग से बनाएंगे। तो मेरे चैनल पर जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आचार्य जगदीश चंद्र बोस